अस्सलाम वालेकुम, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मेरे पास मैगज़ीन है कुछ, ये जिस तुर्की की गन की मैगज़ीन है, जिस तरह पार्डस होगी, क्राल पार्डस, APA, उसके अलावा पैलस, जितनी भी ये तुर्की की गन्स हैं ना, ये मैगज़ीन उनकी सेम होती हैं सारी। तो इसको फिल करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस तरह मेरे पास डिफरेंट मैगज़ीन है, ये आप देखेंगे PR 900 की है, P15 है, ये P10, M16, M16A, ये सारी जितनी भी गन्स हैं उनकी सब की ये जो है ना सेम मैगज़ीन है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि P15 की मैगज़ीन को आपने कैसे फिल करना है। ये देखें, इसको आपने ये चीज़ पकड़नी है ऐसे, इसको एंटी क्लॉक वाइज मतलब अपनी राइट साइड पे आपने घुमाना है, राइट ऐसे अपने चेस्ट की तरफ। ये देखिएगा, इसको आपने ऐसे घुमाना है, ये इस तरह घुमाने के बाद आपने इस तरह यहाँ से पकड़ लेना है, फिर आपने इसको टर्न करना है ये ऐसे। इसके बाद आपने एक पैलेट उठाना है कोई भी, तो पैलेट को आपने इस रुख में रखना है इसके, ये देखिए आगे से जो पैलेट आप डालते हैं वो इस रुख में रखना है। इसको यहाँ से आप इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ये यहाँ से नीचे जाएगा, ये देखो यहाँ से अंदर चला गया इस रुख। उसके बाद आपने इसको क्या करना है कि मैगज़ीन को टर्न कर देना है इसे, ये फिर आपने इसको घुमाना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये पैलेट उठाना है आगे से, फिर आपने इसमें सीधे पैलेट डालना है इस रुख में, ऐसे पकड़ना है पैलेट और डालना है, क्योंकि इस पैलेट ने इस साइड से बाहर निकलना है। आप इसमें ऐसे पैलेट डालेंगे, ये देखिए ऐसे डालेंगे आप इसमें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको फिर टर्न किया, ये आप यहाँ पे पैलेट ऐसे डालते जाएंगे इसमें, ये देखिए इस तरह आप इसको घुमाते जाएंगे। ये आ गया। बाद अगर पहले थोड़ा बड़ा होता है तो वो आप इसको किसी चीज़ से प्रेस भी कर सकते हैं डाल के ऐसे। अभी इसमें मैं डालता जाता हूँ, ये देखिए आप, ये इस तरह जब ये पैलेट इसमें चला जाएगा, ये देखिए आपकी मैगजीन फिर अपनी उस कंडीशन में आ जाएगी। अब इसका फ्रंट हिस्सा ही है, और ये जहन में रखिएगा कभी भी जो पहला फर्स्ट पैलेट होता है वो आपने हमेशा इस साइड से डालना है, ये रुख से फर्स्ट पैलेट आपने डालना है। जब आप यहाँ से पैलेट अंदर डालेंगे फिर आप इसको टर्न करते हैं तो आपकी वन बाय वन आप जो है ना इसमें पैलेट डालते जाते हैं। बाज होता है कि कोई भाई उनको पता नहीं होता मैगजीन में पैलेट डालना कैसे है, तो वो पहला पैलेट ही इस तरफ से अंदर डाल देते हैं, तो उनकी पूरी मैगजीन ही ख़राब हो जाती है, फिर यहाँ से खोलनी पड़ती है, तो मतलब पैलेट आगे से फिर बाहर नहीं जा सकता, वो एरिया आपका ब्लॉक हो जाता है, ठीक हो गया। अब ये जो मैगज़ीन है इसी तरह सेम एज़ इट इज़, इसकी PR 900 की मैगज़ीन का भी सेम वही तरीका है। उसमें भी आपने पहले इसको फर्स्ट ऐसे करना है, ये देखें इस तरह घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, घुमा के आपने इसको टर्न कर लेना है। पहला पैलेट आपने हमेशा यहाँ से अंदर डालना है उल्टा करके, ये इस तरह पकड़ते हैं, ठीक हो गया। पहला पैलेट उल्टा डालना है यहाँ से, उसके बाद आपने इसमें वन बाई वन करके यहाँ से ऐसे पैलेट डालते जाना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये P10 की मैगज़ीन है, P10 का भी कोई सिस्टम सेम एज इट इज़ वैसा ही है। इसमें भी आपने ये करना होता है कि ये इसकी फ्रंट साइड होती है जहाँ से पैलेट बाहर जाता है, तो ये देखें इसमें भी आपने वैसा ही करना है। फर्स्ट पैलेट आप ये देखें यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ मैं इस साइड से, ये देखें ये एरिया जो है ना इसका, ये वाला फर्स्ट पैलेट आपने इसमें भी ऐसे ही रखना है, ये देखें इसको मैं यहाँ से अंदर करता हूँ अब ये, क्योंकि इसका जो है ना असल में वो ये देखें आप, ये पैलेट यहाँ से अंदर जाएगा। बाद अवकात इसमें क्या होता है कि इसका एक ओरिंग इस तरह का होता है अंदर, इसके अंदर एक ये ब्लू कलर का ओरिंग लगा होता है ये वाला, तो ये थोड़ा सा पहला जो फर्स्ट पैलेट होता है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि कोई भी एक LN की ले लें आप, कोई भी चीज़ मेरे पास यहाँ पर LN की पड़ी होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें LN की लेके आपने इस साइड से अंदर डालनी है,
यहाँ से इसको थोड़ा सा ना आपने रख के हल्का सा प्रेस करना होता है तो पैलेट आपका अंदर आ जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ऐसे इसको सीधा कर देना, यानी पहला पैलेट आपने यहाँ से डाल दिया ऐसे फर्स्ट, उसके बाद आप इसको दूसरा पैलेट यहाँ पर डालेंगे, डाल के ये थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे अंदर की तरफ ये, फिर आपने इसको टर्न करना है। ये देखिए इस तरह से आपने टर्न करना है, ये देखें यहाँ पे मैं रख रहा हूँ इसको, थोड़ा सा पुश करता हूँ अंदर की तरफ इस तरह, यानी कि सेम फिर आप वन बाय वन इसको घुमाते जाएं, इसमें आप पैलेट इस तरह से डाल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पैलेट जो होता है हमेशा आपका याद रहे कि वो यहाँ से आपने अंदर डालना है, उल्टा करके पैलेट का इस रुख में आपने ऐसे डालना है, और दूसरी तरफ से फिर जब आपने टर्न करना है तो फिर पैलेट का रुख आपने ये रखना है, इधर से सीधे पैलेट डालते जाना है, ये सेम एज इट इज़ उसका है फंक्शन। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं जो तुर्की की गंध जितनी भी आती हैं, जो क्राल की हो गई, पार्डस वाला हो गई, या तुर्की का कोई भी मॉडल होगा, उसकी मैगजीन जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमती है, वो आपकी जो है ना ऑपोजिट साइड पे घूमेगी, यानी कि आप इसको समझ लें कि ये आपने मैगजीन पकड़ी हुई है, आप इसको राइट साइड पे घुमाएंगे, जबकि चाइनीज जितनी भी गन है उनकी मैगजीन आपने राइट अपनी चेस्ट की तरफ घुमानी है एंटी क्लॉकवाइज, इसको आपने उल्टा घुमाना है, ये जो तुर्की की कोई भी गन होगी, पहला पैलेट हमेशा आपने इस तरह करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, दूसरी साइड पर घुमाना है, ये आपने टर्न किया इस तरह, और फिर आपने इसको इस तरह से उसी रुख में पकड़ लेना है, ये देखें। तो इसमें भी आपने वैसा ही करना है कि पहला पैलेट जो होगा आपने इसको यहाँ से ऐसे अंदर डालना है, ये देख लीजिए मैंने फर्स्ट पैलेट उल्टा करके इसको मैं यहाँ से अंदर डाल रहा हूँ, ऐसे ये गिर भी जाता है क्योंकि ये पैलेट पीछे से ना लॉक नहीं हुआ, ये देखें यहाँ पे आपने पैलेट डाल दिया, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है, ठीक हो गया, ये आपका पैलेट फिक्स हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका ये उल्टी घूमती है, ये 1 2 3 4 5 नंबर इसके इधर लगे हुए, फिर आपने इसमें यहाँ से फिर आपने सीधा पैलेट डालना है ऐसे, ये देखो इधर से आपने इस रूप में पैलेट डालना है, ये ऐसे अंदर जाते हैं, ये इसको ऐसे घुमाया, पैलेट इसमें अंदर चला गया, ये इसमें बड़ा इजी है, फिर बाद में आप सिंपली कोई वन बाई वन आप पैलेट डाल सकते हैं, ये देखें आप इसमें से यहाँ पे आगे इस साइड से फिर आप डालते जाएंगे पैलेट, ऐसे रूप में डालना है, यानी नोक जो इसकी है वो आगे होनी चाहिए इस तरह से, एक ही जगह पे घूम चले गए, यहाँ पे घुमा के इस तरह से यहाँ पे आ गया, फिर इसी तरह फिर आप इसको घुमाते ही जाएंगे पूरा वन बाई वन करके, आप एंड तक आप पैलेट इसमें डाल सकते हैं, ठीक हो गया, ये इस तरह है आपकी ये मैगजीन भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसका ये जो फ्रंट साइड है ये देखें आप, फर्स्ट पैलेट हमेशा इस तरह डालना है। अभी आप ये देख लें कोई भी पीसीबी आप ले रहे हैं, जिस तरह चाइनीज़ होगी तुर्की की कोई भी पीसीबी है, उसका फर्स्ट पैलेट जो है ना आपने मैगजीन में हमेशा इस साइड से डालना है, इस रुख में, यानी कि यहाँ से पैलेट बाहर को हो जाता है, थ्रो करता है, बाद में उसके बाद आप इसको घुमाते हैं फिर टर्न करके, तो आप इस साइड से पैलेट डालते जाएंगे, तो ये इस तरह मतलब कि आपको जो नए यूज़र होते हैं उनके लिए आसानी हो जाती है। तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मार दीजिएगा, लाइक ठोक दें, उसके बाद सब्सक्राइब करें, फिर एक साथ में छोटा सा एक घंटा लगा हुआ उस घंटे को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह मैं तकरीबन कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए पीसीबी की, पम्प्स की, सब की रिपेयरिंग की जो वीडियोज़ होती है वो भी बना के आपके लिए मैं शेयर करूँगा, ताकि किसी भी भाई को किसी गन की कोई प्रॉब्लम आ जाती है या पंप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप बड़ा इजीली जो है ना उसको खुद कर सकते हैं, ये कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, वेरी सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो ये मैंने काम शुरू किया सिर्फ आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आएगी ना तो मेरे चैनल को पहले लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है, साइड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में छोटा सा घंटी का बटन है उस घंटी को टर्न कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।